हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसा लग रहा है आपको ये एकदम देसी वाला वीडियो देखकर? आई होप आपको पसंद ज़रूर आ रहा होगा, क्योंकि ये सब चीज़ें आज के टाइम में बहुत कम देखने को मिलती हैं, है ना। सो आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ एक ब्लॉग, जो कि है मेरा मायके वाला ब्लॉग। एंड ये जो आप घर देख रहे हैं ना, यहाँ से स्टार्टिंग होते होते एंड तक आप जो देखेंगे ना, ये सारे घर मतलब मेरी मम्मी के हैं, नाना के, उनके चाचा वगैरह के, सबके ये सारे घर हैं। बिरगोवा में हैं ये, तो मैंने सोचा आपको दिखा दूँ। तो यहाँ पे मेरी मम्मी का भी गांव पड़ता है, मतलब मेरे नाना का, तो उनके जो पूर्वज वगैरह थे वो उस गांव में रहते थे, वो भी पड़ता है। तो वो सब मैंने आप लोगों के साथ में दिखाया है, शेयर किया है, तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद ज़रूर आएगा। सो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लेट गेट स्टार्टेड। तो बस ये हम लोग जा रहे हैं रास्ते में, एंड पहले पड़ता है मतलब बिरगुआ पड़ता है, बिरगुआ उस गांव का नाम है, एंड उसके थोड़े ही आगे बैरागढ़ पड़ता है। तो बस यही है, एंड लाइक मतलब गांव की ज़िंदगी भी एक अलग ही मज़ा होता है। चारों तरफ हरियाली हरियाली खेत हैं। हम लोगों के साइड में ना मटर बहुत ज़्यादा होती है इस सीज़न में, एंड पेपरमिंट होता है, ये दो चीज़ों की खेती बहुत ज़्यादा होती है। एंड ये देखो कितनी सारी भेड़ बड़ी क्यूट लग रही थी, तो मैंने कहा अपनी सिस्टर से कि इसका भी छोटा सा क्लिप ले लो, बड़ी अच्छी लग रही थी। बिकॉज़ यार शहरों में ये सब चीज़ें कहाँ देखने को मिलती हैं, है ना। अगर आप मेरी बात से सहमत हो दैन कमेंट करके बताना। एंड वो देखो छोटा सा बेबी उली है गोद में, कितना प्यारा लग रहा है। वाह, ये ब्यूटी कुछ अलग ही होती है। ये देखो छोटा सा बेबी है, मुझे बस दूर से ही अच्छे लगते हैं, मैं पास वास नहीं जाती हूँ, डर लगता है मुझे। तो वहीं पर मैं गई थी बिरगुआ के आगे एक है गांव, तो बस यही है। और हाँ, तो वहाँ पे पड़ता है बैरागढ़, तो वहाँ पे देवी जी का स्थान है। तो मुझे उसकी हिस्ट्री तो कुछ ऐसा कुछ पता नहीं है, बट वो हमेशा से ही काफ़ी फेमस मंदिर रहा है वहाँ पे। एंड छोटे में मैं एक दो बार गई हूँ शादी के पहले, बट महेंद्र नहीं गए थे तो हम लोग इसलिए वहाँ पे गए थे। एंड मम्मी पापा का भी मन था वहाँ जाने का, मम्मी पापा तो वैसे होते मतलब जाते रहते हैं। तो ये रहा मंदिर, एंड काफ़ी पुराना मंदिर है। मतलब यहाँ पे एक सांग होती है, वो लंबा सा एक सरिया होता है, वो होता है, तो उसकी कुछ कहानी है। मुझे एग्जैक्ट तो कहानी नहीं पता है, बस मैं दर्शन करने गई थी एंड अच्छा लगा मुझे दर्शन करके। आप लोग भी इंजॉय करिए व्यू, एंड बताना मुझे कमेंट में कि आपको कैसा लगा।
बता पाऊंगी कि पहले से मैं कुछ बोल दूँ कुछ गलत गलत हो, बस मैं दर्शन करने यहाँ आई थी तो मुझे अच्छा लगा आके। बहन तुम्हें कैसा लगा कुछ बोलो जल्दी बताओ। नेचर के आस बहुत अच्छा लगा, हम नहीं मिले तो बस यही है। अभी बस थोड़ी देर अभी बैठेंगे, टाइम पास करेंगे, फिर जाएंगे घर पे। मौसम बहुत अच्छा है, भोलेनाथ का भी मंदिर था। एंड ऐसा हो नहीं सकता कि मैं भोलेनाथ के दर्शन करने ना जाऊँ, तो मैं वहाँ पे भी गई थी। एंड ये देखो एक गाँव का व्यू कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। किसी बात पे सब्सक्राइब ठोक देना एंड लाइक ठोक देना, ओके। तो दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग, छोटा सा व्लॉग है बट मैं गई थी वहाँ पर, तो सोचा आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँ। तो बताना बस मुझे एंड लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, भूलना नहीं। बाय बाय। तो कैसा लगा आप लोगों को मंदिर? हम लोग यहाँ, मतलब मैं आ चुकी हूँ एक बार छोटे में शादी के पहले, बट महेंद्र नहीं आए थे तो हम लोग इधर पे आए हुए हैं। तो अगर आपको पसंद आया है देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड बस इतना ही सा छोटा सा ब्लॉग था, आई होप आपको पसंद आया होगा मेरा ये मंदिर देवी जी। अगर पसंद आया दें प्लीज़ कमेंट करके बताना। एंड या मिलती हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ओमिका यहाँ सो रही हैं मम्मी के पास में, तो अब मैं यहाँ बैठूँगी थोड़ी देर, मिलती हूँ आपको, तब तक के लिए बाय।